हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में आरएनए, उनके जो तीन मेजर टाइप्स होते हैं आरएनए के, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो अदर टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, जैसे कि hnRNA, snRNA, miRNA और siRNA के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसे कि हम hnRNA भी बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा सेंट्रल डोगमा के बारे में, कि जब हमारा डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब हमारा प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जब तुरंत बाद जब जो आरएनए होता है वो हमारा प्री मैच्योर आरएनए होता है, और उसके बाद जब आरएनए की प्रोसेसिंग होती है तीन स्टेप से, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसके बाद जब हमारा प्रोसेसिंग होता है तो उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमारा जो है मैच्योर आरएनए हमें ये मिलता है। तो हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए हमारा ट्रांसक्राइब हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद का तुरंत जो इमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है हमारा, हमें ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद वो ही प्रोडक्ट, जो इमीडिएट प्रोडक्ट मिला वही हमारा जो होता है वो hnRNA होता है। तो हम देखते हैं, जानते हैं हम कि जो हमारा प्री मैच्योर आरएनए होता है वही हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा प्री मैच्योर आरएनए है वही हमारा हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है। तो जो अगर हम मॉलिकुलर वेट की बात करें तो हमारा जो मॉलिकुलर वेट होता है हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए या फिर प्री मैच्योर आरएनए का, वो ज़्यादा होता है, मैच्योर आरएनए से ज़्यादा होता है। क्योंकि hnRNA में जो प्री मैच्योर आरएनए उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, और जो मैच्योर आरएनए होता है उसमें बस जो हमारे फंक्शनल पार्ट्स पाए जाते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके वजह से उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो कम हो जाता है। तो जो हमारा hnRNA है, hnRNA प्री मैच्योर आरएनए है, उसका जो 75% है वो जो होता है न्यूक्लियस में डिग्रेडेड हो जाता है, और बस जो है प्री मैच्योर आरएनए का बस जो 25% जो वो बचता है, hnRNA का 25% पोर्शन ही जो है वो मैच्योर आरएनए में प्रोसेस होता है। तो हम इसको देखते हैं कि जैसे कि हमने आरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ी थी, तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही हमारा जो हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए वो भी हमारा प्री मैच्योर आरएनए, उसके प्रोसेसिंग में भी वही सेम है, सेम चीज़ें हैं, हम उसका नाम चेंज कर दिए हैं, प्री मैच्योर आरएनए को ही हम हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया डीएनए, डीएनए जीनोम में जिसका कि अगर हम बेस पेयर की बात करें तो वो है 7700 बेस पेयर से। अब जो है ये जो हमारा सेडेड पार्ट है, जो सेडेड पार्ट है वो है एक्सॉन, मतलब कि नॉन ये फंक्शनल, और जो है हमारा जो ये पार्ट है पोर्शन, ब्लैंक पोर्शन जो है ये है हमारा नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखें डीएनए है हमारा, डीएनए से क्या होगा हमारा डीएनए, जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्राइब होगा डीएनए तो हमारा बनेगा प्री मैच्योर आरएनए। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली है कि जो आरएनए की प्रोसेसिंग होती है वो बस यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो जो बस यूकैरियोट्स में ही आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये हमारा बन गया प्री मैच्योर आरएनए, हमें मिल गया। अब तीन प्रोसेसेस होती हैं प्री मैच्योर से मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला हो गया कैपिंग, दूसरा है टेलिंग एंड तीसरा है स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग क्या होती है? कैपिंग में क्या होता है कि कैपिंग जो है हमेशा वो 5' एंड पे होती है, जो प्री मैच्योर आरएनए है उसकी 5' एंड पे कैपिंग होती है, और जो टेलिंग है वो हमेशा 3' एंड पे होती है। तो कैपिंग में क्या होता है कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है आके 5' एंड पे अटैच होता है, ये हो गया हमारा मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट आके अटैच हो गया 5' एंड पे।
और टेलिंग का मतलब होता है कि पॉली एडेनिन जो टेल होता है वो आके 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है, पॉली ए टेल। तो हमारा जो है अब ये प्रोसेस हो गया कि कैपिंग और टेलिंग की तो प्रोसेस हो गई। कैपिंग में हो गया 5 प्राइम एंड पे हमारा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो गई और पॉली ए टेल की टेलिंग हो गई 3 प्राइम एंड पे। अब हमारा क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम नॉन फंक्शनल जो हमारा पार्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं और जो फंक्शनल पार्ट है उसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि जो हमारा ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा शीडेड पार्ट है वो एक्सॉन है, एक्सॉन मतलब कि फंक्शनल पार्ट, और जो जो है हमारा ब्लैंक वाला पार्ट है वो नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो हम नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, रिमूव हो जाता है नॉन फंक्शनल पार्ट और जो फंक्शनल पार्ट है वो अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये हमको मिल गया, ये मैच्योर आरएनए मिल गया, मैच्योर आरएनए मिल गया। अब जो मैच्योर, हमने एक बात नोटिस करना किया होगा आप लोगों ने कि जो हमारा डीएनए जीनोम था उसका जो बेस पेयर था वो था 7700 बेस पेयर का, और जो हमारा मैच्योर आरएनए मिला है हमें वो कितना बचा है, 1872 बेसिस का बचा है। मतलब कि जो हमारे जो डीएनए से जब मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए फिर प्री मैच्योर आरएनए, उसके बाद आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, फिर मैच्योर आरएनए जब मिलता है हमें मिलते मिलते तक जो उसके बेसिस हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि नॉन फंक्शनल पार्ट हमारा रिमूव हो जाता है। तो ये मिल गया हमें मैच्योर आरएनए, मैच्योर एमआरएनए। अब मैच्योर एमआरएनए मिल गया मतलब इसमें नॉन फंक्शनल पार्ट नहीं है, बस फंक्शनल पार्ट है। तो फिर इसे जो मैच्योर आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये आई होप ये आपको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो आपको समझ में आया हो। दूसरा जो है हमारा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसे कि हम एसएनआरएनए भी बोलते हैं। और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इंट्रॉन्स के रिमूवल में यूज़ होता है। अभी हमने हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में पढ़ा कि जो हमारे इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, उन्हें रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग के प्रोसेसेस में। तो उस प्रोसेस को, इंट्रॉन रिमूवल के प्रोसेस को जो जो वो परफॉर्म करता है या इन्वॉल्व होता है वो आरएनए होता है, एसएनआरएनए या न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इंट्रॉन के रिमूवल में हेल्प करता है या फिर उसमें इन्वॉल्व होता है। एस एन आर एन ए क्या होते हैं कि वो प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बनाने के लिए। और एस एन आर एन ए के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें से कि U2, U4, U5 एंड U6 जो है वो इंट्रॉन के रिमूवल में इन्वॉल्व होते हैं और एच एन आर एन ए से एम आर एन ए में जो है वो हेल्प करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में, एच एन आर एन ए की प्रोसेसिंग में उसको हेल्प करते हैं ताकि वो मैच्योर आर एन ए हमारा बन सके। तो इसमें वो हेल्प करते हैं कुछ टाइप्स के एस एन जो आर एन ए से। और जो U7 है एस एन आर एन ए है वो किस में इन्वॉल्व होता है कि 3 प्राइम एंड के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होता है। हम सब जानते हैं कि जो हिस्टोन एम आर एन ए है उसमें जो है पॉली ए टेल नहीं पाया जाता है, और जो नॉर्मल एम आर एन ए है उसमें 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। तो स्टोन एम आर एन पॉली ए टेल नहीं प्रेजेंट होता है। स्टोन एम आर एन ए के करेक्ट 3 प्राइम एंड के प्रोडक्शन में जो है U7 एस एन आर एन ए जो है हमारा वो इन्वॉल्व होता है। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए का। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का आप सबको पता है कि पता चल गया कि जो है उसमें वो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब इंट्रॉन रिमूवल में। तो अब हम देखेंगे इंट्रॉन रिमूव कैसे होता है जो नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा डीएनए से जो है प्री मेच्योर एमआरएनए हमें मिल गया ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। अब प्री मेच्योर एमआरएनए मिल गया, अब उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन मीन्स कि फंक्शनल पार्ट और इंट्रॉन्स मीन्स नॉन फंक्शनल पार्ट। अब हमें नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव करना है तो होगी अब स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। जो हमारा नॉन फंक्शनल पार्ट है हम जिसे बोलते हैं इंट्रॉन, वो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। और जो हमारे एस एन आर एन पीस हैं, एस एन आर एन पीस, हमने देखा था कि जो हमारा एस एन आर एन ए है
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर क्या बनाता है, एस एन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। जो हमारे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने हैं वो क्या करेंगे कि जो हमारा इंट्रॉन है वहाँ पे आके बाइंड कर लेंगे। वहाँ पे आने बाइंड करने के बाद क्या होगा कि वो इंट्रॉन को कट कर देंगे, कट करेंगे जिसके वजह से इंट्रॉन जो है हमारा कट होके वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद क्या होगा कि इंट्रॉन्स जो हमारा अलग हो जाएंगे और एस एन आर एन पी जो है वो भी अलग हो जाएंगे और जो हमारे फंक्शनल पार्ट्स जो एक्सॉन्स थे वो अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये मिल गया हमारा मैच्योर एमआरएनए। तो यही है कि हमारा एस एन आर एन पी जो है वो इंट्रॉन रिमूवल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो आज हमने देखा कि स्मॉल हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के बारे में, और जो हमारा माइक्रो आरएनए और एसआई आरएनए है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये दोनों आरएनए के बारे में जो भी बताया वो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।